ये मैं कल यहाँ आया था, मेरी जानकारी में आया तो दो फैसले हमने किए हैं। एक तो इन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन हम तुरंत दे रहे हैं, और दूसरा जितनी पोस्ट हैं यूटी के पास वो हम एडवर्टाइज करेंगे। मैम चले अब आप प्लीज, बहुत हो गया, आप बिल्कुल ही मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने। चलो इन्हें उठे, मैम आप उठे, समझाओ थोड़ा यार। ओ चले अब उठाओ इसको, उठे चले प्लीज, आपको बार बार प्लीज बोल रहे हैं आप उठे। अंदर चलो, अब ये 3 महीने मत रुकना, उठे बिल्कुल। अपनी गुंडागर्दी शुरू हो गई है। एलजी सर आए, 5 मिनट का भाषण दिया, गुंडागर्दी शुरू सर, गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे, नोट कीजिए गुंडागर्दी। एनएचएम के वर्कर जो काफ़ी दिनों से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अस्पताल के बाहर बैठे थे, आज उनसे मिलने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहुंचे, और जैसे ही वो पहुंचे उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी कि उनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सटेंशन की, तो एनएचएम वर्कर्स जो थे उनको पुलिस द्वारा उठाकर जो है वो अंदर लेके जाया गया है। मैं आपको कुछ दृश्य दिखा दूँ कि अंदर कुछ इस तरह से जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं जो एनएचएम के वर्कर्स थे वो वहीं पर हैं जो बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते होंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उसी तरह से बैठे हैं, और कई स्टूडेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाइड हो गए और कई स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं उनके बीच में आपको एक स्टूडेंट वो भी दिखाई दे रहा होगा अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, जिसने हाथ में ग्लूकोज लगा हुआ है, तो वो भी स्टूडेंट एनएचएम का ही है, क्योंकि काफ़ी देर से यहाँ पर बैठने के बाद में जो है यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे वो बीमार भी हो चुके हैं, और इन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो एक्सटेंशन की बात जहाँ तक आती है वहाँ पर डेली वेजर्स को भी काफ़ी एक्सटेंशन दिया गया है, और अगर हर किसी की बात करें उन सबको काफ़ी जो है एक्सटेंशन दिया गया। अब देखने वाली बात ये बनती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहाँ पर आए थे और उन्होंने इनसे वादा किया था कि आपको 3 महीने का जो है वो एक्सटेंशन दिया जाएगा, क्या उसके बाद में इनकी सारी प्रॉब्लम जो है हल होती हैं या इनको भी एक लॉलीपॉप ही दिया जाता है?